And दोस्तों कैसे हैं आप सब? I'm an ex-serviceman and I'm a lawyer. Friends, being a retired army person cum lawyer, I'll happy to assist you in a legal matter. Therefore, you can approach me for a legal advice. और इसके लिए आप मुझे mail drop कर सकते हैं या फिर WhatsApp भी कर सकते हैं. अब मैं बात करूँगा आज के video segment की. दोस्तों आज का जो ये video concept है, accordingly एक news पर आधारित है और आधारित है circular number 651 and 585. ये जो वीडियो है, ये वीडियो है 2016 से पूर्व के पेंशनर्स को की बढ़ेगी पेंशन, लाखों का मिलेगा एरियर एज पर सर्कुलर 651 एंड सर्कुलर 585. दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 2016 से पहले आए पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और साथ एरियर भी दिया जाएगा, जिसकी कि एक किस्त में जिसको कि एक किस्त में दिया जाना संभवतः निर्धारित है. इस न्यूज के मुताबिक सर्कुलर 651 जिसका विषय बिंदु है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सर्कुलर है 651 25 अक्टूबर 2021 को निकला है पीसीडी द्वारा. इसका सब्जेक्ट है इशू ऑफ कंकर्डेंस टेबल फॉर द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अंडर फर्स्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सीपीसी रिगार्डिंग. ठीक है, और यह सर्कुलर 25 अक्टूबर 2021 को पीसीडी द्वारा सभी ओआईसी रिकॉर्ड्स और पीएओआर्स को भेजा गया था. ठीक है, प्री 2016 के पेंशन रिवीजन पर रिपोर्ट मांगने के संदर्भ में यह लेटर इन संबंधित रिकॉर्ड्स और पीओ को भेजा गया है. इस परिपत्र संख्या 651 में इनक्लोज्ड किया गया है कंकर्डेंस टेबल को, जो कि 10 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डी ऑब्लिक पेंशन ऑब्लिक पॉलिसी द्वारा जारी किया गया था. जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह है वो टेबल, ये देखिए, ये 10 जून को निकाली गई थी. दोस्तों इस न्यूज़ में सर्कुलर 585 का भी जिक्र किया गया है. कौन सी न्यूज़, आपको आशंका हो रही, दैट इज़ द न्यूज़. इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही मैं ये आपको बता रहा हूँ. इसमें 585 का भी जिक्र है, देखिए यह है 585. दोस्तों इस न्यूज़ में सर्कुलर 585 का जिक्र यहाँ किया गया है. सर्कुलर 585 जिसे पीसीडी द्वारा 21/9/2017 को आईसी रिकॉर्ड्स ऑफिस पीओज को भेजा गया था, जिसका विषय बिंदु था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2016 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स. ठीक है, और इसमें रेफरेंस दिया गया था सर्कुलर 570 का, डेटेड 31/10/2016 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 17/1/2017/2/D पेंशन ऑब्लिक पॉलिसी डेटेड 5/9/2017. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दोनों सर्कुलर 651+585 और इनमें संदर्भ परिपत्रों के अकॉर्डिंग ही प्री 2016 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन सुनिश्चित किया जाएगा. तथा मैं आपको बता दूं, एक पेंशन टेबल के अकॉर्डिंग इन सबको पेंशन एलिमेंट दिए जाना तय होगा. ये वो न्यूज़ है. ये न्यूज़ जब निकली है, जब राजनाथ सिंह जी ने कुछ ही दिन पहले ये अनाउंस किया था कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ लाभदायक अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही करूँगा 2022 जनवरी तक और दिसंबर के लास्ट तक, जो कि उन्होंने आई थिंक कि उन्होंने कर दिया है. तो तथा ये जो पूरा जो रिवीजन होगा, ये एक टेबल पर के हिसाब से सबको पेंशन दी जाएगी. दोस्तों यदि पेंशन कैलकुलेशन और रिवीजन को जानना है तो आपको इनसे जुड़े सभी सर्कुलर्स कंकर्डेंस टेबल्स रेजोल्यूशंस और लेटर्स को एक चैन में पिरोना होगा, यानी कि एक पूरी फाइल इनकी बनानी होगी आपको प्रॉपर डेट वाइज, और तब उनकी लैंग्वेज को समझते हुए तथा कैलकुलेशन और पेंशन फिक्सेशन किया जाना पॉसिबल होगा जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये क्या चाहता है, क्या ये लेटर, हर एक लेटर की लैंग्वेज डेट क्या है. ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ का संदर्भ है एक खुशी की आहत, यानी कि ये न्यूज़ इस संकेत को दे रही है कि अब आपको खुश हो जाना चाहिए. वर्ष 2016 से पूर्व पेंशन आने वाले प्री 2016 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि तो अब तय है, यानी कि
तथा नॉशनल पे को कैलकुलेट करने के संदर्भ में और जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने के प्रयोजनार्थ सर्कुलर 651 बीसीडी द्वारा जारी किया भी जा चुका है। दोस्तों सर्कुलर 561 आपके सामने है, दैट इज सर्कुलर 561। 561 के मुताबिक सभी रिकॉर्ड्स ऑफिस पीओ ऑफिस से 1 जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर्ड सैनिकों को समस्त सर्विस विवरणों यानी सर्विस डेटा के कंक्लूड करने का आदेश दिया जा चुका है तथा इस डेटा का पीसीडीए यानी सेना पेंशन कार्यालय इलाहाबाद को फॉरवर्ड करने की रिक्वेस्ट भी की जा चुकी है। जैसा कि पीसीडीए प्री 2016 आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं, इसमें सब कुछ एजेटिजी लिखा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए न्यूज़ यही कह रही है, जैसा कि पीसीडीए प्री 2016 पेंशन का डाटा जो है प्राप्त करेगा, जैसे ही कर लेगा उसको ये डेटा जो है, जो डेटा इन्होंने रिकॉर्ड और पीओ को भेजा है कि ये डेटा हमें दो, तो जैसे पीसीडीओ को ये डेटा मिलेगा उसके बाद 1 जनवरी 2016 से पहले पेंशन आए समस्त पूर्व सैनिकों की बढ़ी हुई पेंशन और पेंशन का एरियर समेत बैंकों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। यानी कि जल्दी ही वो शुभ दिन आ सकता है, ऐसी संभावना है इस न्यूज़ के हिसाब से दिखाई पड़ती है। दोस्तों रिगार्डिंग द सर्कुलर 651 ऑल रिकॉर्ड ऑफिसेज तेजी से कार्य कर रही हैं और जल्द ही आपको इसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सभी पूर्व सैनिकों का यह कहना है कि 21 सितंबर 2017 को सर्कुलर 585 इस संदर्भ में पूर्व जारी किया जा चुका था, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही बढ़ी हुई पेंशन पूर्व सैनिकों को मिली। इस बढ़ोतरी के संदर्भ में हमारे पूर्व सैनिकों के संगठन वेटन सेल्स और बहुत से पूर्व सैनिक व्यक्तिगत तौर पर कार्यरत हैं और उनके मुताबिक ये पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी और उसका एरियर, पेंशन का जो एरियर है वो दिया जाना चाहिए।